में एक कॉलेजियन युवती शंकास्पद मृत्यु निपजू है। कॉफी पीधा बाद युवती निपजू है मृत्यु। कॉफी शॉप में कॉफी पीधा बाद युवती बेभान थी गई थी। बेभान अवस्था में आ युवती ने सारवार माटे हॉस्पिटल खसेड़वामां आवी हती। हॉस्पिटल में युवती ने मृत जाहिर कराई थी। युवती मृत्यु ने लई परिवारजनों होबाड़ो मचाव्यो छे। विधर्मी युवके झेर पीवड़ाव्यु होवानो परिवारजनों आक्षेप छे। विधर्मी युवक साथे दीकरीए कॉफी पीधी थी। परिवारजन आ कहेवू छे, कॉफी शॉप में विधर्मी युवक साथे बे युवतीओए कॉफी पीधी थी। सूरत में युवती नु शंकास्पद मौत थयु छे। मौत छे, हत्या छे, आत्महत्या छे, शुं छे एनो कोई कारण हजु सुधी बहार आव्यु नथी। त्यारे ए मधुस्मिता साहू नामनी जे युवती छे एना जे परिजनों छे आपणी साथे छे एमनी साथे वात करीशुं। जी क्या क्या हुआ है मधुस्मिता? सर वो सुबह में कामराज कॉलेज गया था, जो कामराज कॉलेज में बीएडी में पढ़ाई कर रहा है। तो 6 बजे तक वो रिटर्न हो रहा था, 6 बजे तक आया नहीं। तो हमने उसे फोन करने की कोशिश किया, क्यों नहीं आया। तो उसके फोन स्विच ऑफ आया, तो हम लोग टेंशन हो गए। फिर उसके फ्रेंड लोग को हमने फोन करने की कोशिश किया, तो फ्रेंड लोग ने बताया कि हम कॉलेज से निकल गए। फिर हम उसके ढूंढने के चक्कर में शायद रास्ता में एक्सीडेंट हुआ, ऐसा कुछ हुआ, सो उसके हम लोग ढूंढने के लिए निकल पड़े। तो कामराज कॉलेज तक हम पहुंच गए, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ मिला नहीं है। ऐसा करते करते रात को 9:30 बज गया था। जैसे कि हम बार बार उसे फोन लेकिन कॉल करने का जारी रखे थे, तो उसके 9:30 बजे उसके कॉल लगा। तो कोई पुलिस वाला ने फोन उठाया और हमें इमरजेंसी के लिए वो कटोदरा पुलिस स्टेशन में हमें बुलाया। तो हम पूरे फैमिली आके कटोदरा पुलिस स्टेशन 10 बजे तक पहुंचे। तो हमें 1 घंटे बैठने के बाद वो साहब लोग ने आए, जो उसके एक्टिवा स्कूटी था लेके आए, उसके साथ कॉलेज बैग, उसके मोबाइल और ये सब सामान लेके आए। और हमें अंदर बुला के बोला कि वो महावीर कॉलेज के पीछे कोई कॉफी शॉप है, वहाँ पे आपके लड़की कुछ पॉइजन पी के डेथ होके पड़ा हुआ था। तो लेकिन जब वो एम्बुलेंस को बुलाया, उसके साथ कोई लड़का था, उसने एम्बुलेंस को बुलाया अपने फोन से फोन करके, और एम्बुलेंस के साथ सिविल हॉस्पिटल भी आया था वो, लेकिन सिविल हॉस्पिटल से वो भाग गया। जैसे पुलिस वाला को पता चला कि वो, पुलिस वाले बोलते वो कॉफी शॉप में उसके डेथ हो गया था। अगर बड़ी डेड बॉडी के साथ किसी के डेथ हो गया, उसके साथ कोई आता है पुलिस के सामने, वो भाग के चला जाता है। अभी तक वो लड़का का फोन स्विच ऑफ है। और 6 बजे एम्बुलेंस ड्राइवर लिखा है कि 6 बजे लाके वो सिविल हॉस्पिटल में बड़ी दे दिया था। फिर भी 9:30 बजे तक जब सिविल हॉस्पिटल में बड़ी दे दिया, तो पुलिस वाला को उसके गाड़ी और उसके मोबाइल सब, उसके आईडी कार्ड, उसके कॉलेज बैग सब कुछ उसको मिल चुका होगा। फिर भी 9:30 बजे तक फोन स्विच ऑफ ऑन क्यों नहीं हुआ था? फोन जो आप बता रहे, तो वो लड़का कौन था, उसका नाम वगैरह पता चला? जैसे बीएससी कर रहा था वो भगवान महावीर कॉलेज में, उसमें वो एक लड़का उसको परेशान कर रहा था घर पे, वो बताए थे। और उसको बहुत मैसेज कॉल में और वो कॉलेज में भी उसको परेशान कर रहा था करके बता रहा था। अभी तो वो भाग चुके, हमने उसे देखा नहीं है, लेकिन वो मार्क लिस्ट के लिए उसे परसों हमें घर पे बताया था शाम को कि मार्क लिस्ट लेने के लिए मुझे भगवान महावीर कॉलेज में जाना है। तो वहाँ पे वो गया था, तो वो लड़का ने उसको मिला होगा, क्योंकि अभी वो बीएडी के लिए कामराज ट्रांसफर हो गया, कामराज कॉलेज में आ गया, तो उसको मिला नहीं था 2-4 महीना से। तो अभी वो मार्क लिस्ट लेने के लिए भगवान महावीर कॉलेज गया था, तो उसको वहाँ पे वो लड़का मिला होगा, तभी उसके साथ वो जबरदस्ती किया या फिर कुछ करके उसको, उसने कुछ पिला के उसने ही मर्डर किया। इसलिए हमारा डाउट है कि उसका हाथ है, ये जो भी हुआ उसके पीछे उसी के ही हाथ है। वो लड़के का नाम पता है, क्या नाम है, कौन है? वो लड़के के नाम तो हमें पता नहीं है, पर वो महमूडियन है करके ऐसा वो एक बार घर पे बताया था, पर नाम एमडी या मदनी करके ऐसा कुछ नाम है, पर कन्फर्म नहीं है कि इसका नाम क्या है। मधुस्मिता ने उसके बारे में कुछ बताया था आपको? उसके घर पे बताया था, तो पापा ने जाके उसके पास एक बार मिले करके बता रहे। जो आ समग्र मुद्दा में कंक ने कंक कोई मुस्लिम युवान छे नु नाम आवी रह्यु छे, अने मुस्लिम युवाने शू कर्यु छे, शू नथी कर्यु, ए जाणवानी पण कोशिश करी। आ जे मधुस्मिता नु मौत थयु छे एनी पाछळ नु कारण शू लागे? આનું કારણ એવું છે કે જે અત્યારે આખા ભારત દેશની અંદર લવ જેહાદના કિસ્સા ચાલી રહ્યા છે, આ જે કોફી શોપ છે અને જે સ્પા ચાલી રહ્યા છે એ પોલીસની રહેમ હેઠળ ચાલી રહ્યા છે, અને અમે કેટલી વખત રજૂઆત કરતા પણ પોલીસે એક્શન નથી લીધી, એને હિસાબે આ છોકરીનું મર્ડર થયેલું છે। જે મોમેડિયન વિધર્મી યુવક હતો એ છોકરાના કોલાથી જ આ છોકરીનું મર્ડર થયેલું છે પસંદ। ચોક્કસ આ સમગ્ર પ્રકરણમાં જે મુદ્દો છે એ યુવતીનું જે મોત થયું છે, એ યુવતીના મોતની પાછળ કોઈ વિધર્મી યુવક હોય તેને જવાબદાર ગણવામાં આવી રહ્યા છે। આ સમગ્ર પ્રકરણમાં કોઈ મુસ્લિમ યુવાન છે એ શું છે મુદ્દો એ જાણવાની પણ આપણે કોશિશ કરીએ।
कोई मुस्लिम युवान नु नाम आवी रह्यु छे आ केस मां शुं छे एकर? सर हमको भी जो उनका लड़का का भाई है उनका भी कहना यही है कि कोई मुसलमान लड़का तीन चार महीने से परेशान कर रहा था और जो कल साथ में भी था कॉफी कैब में कॉफी वहाँ जो सिविल तक आया वो भी मुसलमान ही लड़का था तो उसके लिए उनका परिवार उनकी जो भाई और उनका पप्पा सब वही लड़का के ऊपर शंका है लड़का के ऊपर ही डाउट कर रहे हैं कि वही लड़का ने कुछ जहर दे के उनको मार डाला। आ युवती नु मौत रहस्यमय छे ए वात चोक्कस छे अने समग्र मामलामां कंईक ने कंईक लव जेहाद नो मुद्दो होय तेवी पण परिवारजनो आशंका करी रह्या छे। अत्यारे एक वात चोक्कस छे युवती नु शंकास्पद हालतमां मौत थयुं छे एनो मृतदेह मळी आव्यो छे एक कॉफी शॉपमांथी मृतदेह मळी आव्यो छे अने परिवारजनो लव जेहादनो आक्षेप करी रह्या छे। कैमरामेन देवेश सोलंकी साथे शैलेश त्रिवेदी वीटीवी न्यूज।